जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 6 एक्सरसाइज आपके 6.1 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 2 है और उसका जल्द बच्चों आप नोट 2 आज हल करने वाले हैं। तो बच्चों आपने मालूम करना है कि दरअसल के आधे से मुजरियात तजी मालूम करें। फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों रकम आपके सामने दी गई है, x का मुकाम है तो x का मुकाम ये बच्चों उसी तरह ही आप मुकाम लिखेंगे। 27 को भी बच्चों आप लिख सकते हैं 3 का मुकाम। अब बच्चों जैसा आपने फार्मूला खोला है तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 3। उसी तरह बच्चों पूरा फार्मूला खोले तो आप पूरा फार्मूला खोले, इसको बच्चों आप शॉर्ट करना चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। प्लस के अलावा आती है पहली रकम आपके बच्चों दूसरी से मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस बच्चों आपका आ जाएगा आगे 3 का, उसी तरह दूसरी रकम का आ जाता है मकान। तो बच्चे जब फार्मूला खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी यह आता है आपका स्क्वायर x माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के बच्चों आपका आ जाएगा 3x और प्लस 9 का स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 9। तो इस तरह बच्चों पहली रकम आपकी हल हो गया। दूसरी रकम देखिए तो बच्चों लिखा x का स्क्वायर जमा के 6x और माइनस के 3 है तो ये बराबर के अलावा बच्चों आपने लगा दिया x का स्क्वायर प्लस के बच्चों हम ले लेते हैं 9 और माइनस के ले लेते हैं 3। तो आप देखिए आपके पहली रकम को तरीका कर ये कि पहली रकम को आखिरी रकम से किया जाता है मल्टीप्लाई तो ये बच्चे आपके बनने चाहिए माइनस के आपके बनते हैं 27। आपने वो जोड़े बनाने होते हैं यानी फैक्टर्स बनाने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके 27 बन जाए। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जाए 27 और माइनस के बनते हैं क्योंकि जोड़े का एक रुकन बच्चों देखिए माइनस का होगा। इस सूरत में एक रुकन जमा का होगा जब पहली रकम को आकर कुछ से मल्टीप्लाई किया जाए तो रकम जो माइनस की अलामत है जो जोड़ा बनाया जाता है उस जोड़े में एक रुकन जमा का होगा और एक रुकन मनफी को होगा। हमें चाहिए प्लस के 6 तो इसलिए बड़ी वाली रकम वो हम जमा के लेंगे प्लस के 9। इस जोड़े में कॉमन और इस जोड़े में कॉमन, पहले जोड़े में बच्चों कॉमन आपका आ जाएगा x, बाकी आपके पास बचा है x प्लस 9। इसमें आपके अब 3 कॉमन आ गए, बाकी बच्चों आपके पास रहेगा x प्लस 9। अब इशू बच्चों ये है कि देखिए 27 के साथ माइनस के अलावा इसके साथ आप प्लस लगाइए, वजह ये है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो ब्रैकेट वाली ये होती है उसकी रकम के अलावा चेंज हो जाती है। अब बच्चे जोड़े वाले देख ले आपकी रकम कॉमन आ गई है जो कि आपकी है x प्लस 9 है और बाकी आपके पास बच्चों बच गया x माइनस के 3। तो ब्रैकेट बच्चों आपने लाजमी लगानी है। अब बच्चे तीसरी रकम की आज तरफ आ जाए तो वो लिखा 2x का स्क्वायर माइनस के आपके पास 18। इसमें बच्चों देखिए तो आपके 2 कॉमन निकल आएंगे तो बाकी में आपके पास रहिए x का स्क्वायर और माइनस के 9। ये आपके उसी तरह बच्चे 2 आ जाएंगे और ये आपका फार्मूला है x का स्क्वायर 9 जो बच्चे आपके होंगे वो आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर। इस फार्मूले को बच्चे खोलें तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस के 3। ये रकम बच्चों आपकी हल हो जाती है, ये भी आपकी हल होगी, अब ये भी आपकी हल होगी। तीनों बच्चों आप रकम एक्स सी एफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर आपने लेना होता है, कॉमन देखिए तो तीनों बच्चों आपके पास है एक्स माइनस 3। तो पास बच्चों आपका एक्स सी एफ जो होगा वो आपका निकल आएगा एक्स माइनस 3। आमतौर पर बच्चे लॉन्ग या शॉर्ट दोनों शक्लों में आपके पेपर में आ सकता है। शॉर्ट ये मरूजी की शक्ल में भी बच्चों आपके बस बात पूछ लीजिए, कोई दो दो रकमें कॉमन दे दीजिए, ये रकमें दे दी है, ये तो 3 दी गई एक्सप्रेशन दी गई तो कोई दो दे दी जाती है तो कहते हैं एचसीएफ इसका फाइंड आउट करें। तो बच्चों पहला पास आपका x माइनस 3 जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।